जब YouTube पे वीडियो अपलोड हो तो मैं एडिट करूँ तो पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझा दूँ, उसके बाद 5.3 वाला पार्ट करवा दूँ। बाय द वे मैंने पहले वो करवा दिया है, लेकिन मे भी मैं पहले थ्योरी बता दूँ, उसके बाद वो 5.3 क्वेश्चंस लगा दूँ साथ, ताकि मजीद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ऑनलाइन क्लास में तो पहले मैंने 5.3 करवा दिए, उसके बाद अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ। क्या टॉपिक क्या है? 5.3 के टॉपिक है। दैट सर, फिलहाल मैं 5.3 के हेडिंग डाल रहा हूँ, उसके बाद 5.3 के क्वेश्चन भी एडिट कर दूंगा साथ। टॉपिक जो है ना वो है मेथड ऑफ डिफरेंस का, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये टॉपिक होता है क्यों है? 5 चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है, मेन काम ही हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज होती है, हम उनको ऐड करना चाहते हैं। हाँ, तो जनरल टर्म आप निकालते थे, जनरल टर्म निकालने के बाद आप समीशन वाला सिंबल यूज करते थे, थोड़े से मेथड अप्लाई करते थे, आपके पास आंसर आ जाया करता था। उसके बाद मजीद आपके पास सीरीज ऐसी आई जिनको आपने AGP बोला, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको नजर आई। उनकी खास बात क्या थी कि वही के अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई किया होता था, तो उसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी तो आप क्या करते थे, कुछ सब्ट्रैक्ट करवा के उनको, मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते थे और सॉल्व कर लिया करते थे। उस वाले मेथड से हमारे पास वहां पे सम आ जाया करता था। जो 5.3 और 5.4 में आपने काम करना है ना, इस काम को आप कहते हो, अब इसमें भी आपको ऐड करना है। अब इसमें खास बात क्या, आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं। पहली बात, जनरल टर्म आती तो आप वो सिग्मा वाला काम कर लेते। इसी तरीके से AGP भी नहीं है तो कॉमन रेशियो वाला सीन भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। वो मेथड क्या कह रहा था? मेथड ऑफ डिफरेंस। अच्छा, इस मेन मेथड का मतलब इस मेथड में आप करते हैं क्या? इस मेथड में मेन ही हमारा एक फोकस होता है कि जो आपके पास सीरीज गिवन है ना, उस सीरीज में आपने कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, और हम इस टेक्निक से सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है। इसके मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 5.3 का ही क्वेश्चन है जो एडिट करके इंशाल्लाह बाद में लगा दूंगा, वैसे तो मैंने बच्चों को अपने करवा दिए। ये क्वेश्चन है पहला वाला क्वेश्चन, 3 + 6 + 12 + 21 + 33। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंस के डिफरेंट केसेस होते हैं। इन क्वेश्चंस को जो 5.3 में आपको नजर आ रहे हैं, इनकी खास बात क्या होती है? इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो या तो AP के अंदर होते हैं, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो या तो AP के अंदर होगा या वो GP के अंदर होगा। जैसे अगर आप इन दो का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, इन दो का डिफरेंस देखो 6, इन दो का डिफरेंस 9, इन दो का डिफरेंस 12, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो इनका डिफरेंस है ना वो एक अरिथमेटिक बना रहा है। तो 5.3 की खास बात ये है कि या तो इनका डिफरेंस अरिथमेटिक के अंदर होगा या इन टर्म का डिफरेंस जो है वो GP के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हो। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। अब ये जो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 6 को -6 -3 करना है, 12 -6 करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। डायरेक्टली कि आप आपस में इनको माइनस कर दो तो वो सेंस नहीं बनेगी उसकी। हमने इस काम को थोड़े टेक्निकल अंदाज में करना है ताकि आपके पास इस सम की वैल्यू आ जाए। ये चीज चलती जा रही है आगे तक, ठीक है, एंड टर्म्स तक जा रही है, या तो एंड टर्म्स तक जाएगी या इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी, वो डिपेंड करेगा सवाल में उन्होंने क्या बोला है। तो अब हम ये टेक्निक ला के क्या करेंगे यहाँ पे, हम सिंपल हम एक काम करेंगे कि हम इस चीज को दोबारा लिखेंगे कॉपी, और कोशिश करेंगे इस यही सीरीज को नीचे कॉपी करो लेकिन शिफ्ट कर दो, एक नंबर आगे कर दो, मतलब 3 यहां से स्टार्ट था, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खास बात क्या होगी, जो भी 5.3 के सवाल है, सवाल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपने सीरीज का सम निकालना है और हर सवाल के आगे लिखा हुआ है टू एन टर्म्स तक। एन टर्म्स कोई जनरलाइज टर्म होगी, एनएस टर्म जिसको हम कहते हैं, एज्यूम कर लो कि एनएस टर्म जो है वो AN के बराबर है। अब आपको इसकी जनरल टर्म नहीं पता, अगर जनरल टर्म पता होती तो मसला हल हो जाता, आप समेशन नोटेशन यूज कर लेते हैं, जनरल टर्म हमें नहीं पता। हमने क्या टेक्निक यूज की, हमने टेक्निक यूज की कि हमने उसी सीरीज को नीचे कॉपी किया और हमने एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया इसको, बस। अब कर हम वही रहे, हम उसी तरह से डिफरेंस निकाल रहे, लेकिन अब डिफरेंस निकालने का तरीका है, हम किस तरह डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 को एज इट इज कॉपी कर दो। अच्छा, जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आपस में 0 हो जाएंगे। अब 6 और -3 ये हो जाएगा 3 के बराबर, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 12 - 6 6 के बराबर, 21 - 12 9 के बराबर, 33 - 12 21 12 के बराबर। अरे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। हमने वही काम किया है, बस डिफरेंस निकालने का हमने एक तरीका रखा है ताकि हमारे पास किसी तरह जनरल टर्म आ जाए, जनरल टर्म आएगी तो हम सम भी आसानी से निकाल लेंगे। तो जैसे आप अगर देखो, मैं 33 को माइनस करता हूँ उससे पहले वाली टर्म से, मतलब 21 से माइनस करो, जैसे 21 को मैंने 12 से माइनस किया तो उससे पहले वाली टर्म से माइनस किया था। इसी तरह जो AN है ना, इसको इससे पहले वाली टर्म जो है उससे आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ए एन है ना, यहाँ पे टर्म आ रही होगी ए एन माइनस वन, आप ए एन को माइनस करोगे ए एन माइनस वन से, ठीक है, ये आपकी आखिरी टर्म होगी। इस करने के बाद में क्या करूंगा, मैं एक ब्रैकेट बना दूंगा यहाँ पे, जो आखिरी टर्म होगी ना आपकी, ये जो सीरीज मैंने पूरी बनाई है ना, इसकी आखिरी टर्म जो है 3, 6, 9, 12 और आखिरी क्या होगी, इसकी जो nth टर्म है उसको आप माइनस करोगे ए एन माइनस वन से, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाली चीज जो है ये एज इज बच जाएगी, इसको मैं कोने पे लिख दूंगा इस तरीके से। ये जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, जब मैंने सॉल्व करवाया था उसमें मेथड काफी डिटेल में मैंने बताया ऑलरेडी है, तो ये वैसे मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि मेथड और डिफरेंस दो होते हैं, उनमें से पहला ये है। तो ये करने का फायदा ये है, अच्छा इस सीरीज को अगर आप गौर से देखो तो बस एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। मेन हमारा मकसद क्या था, ये जो मेथड और डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करने के बाद फायदा ही हुआ कि एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। इस अरिथमेटिक सीरीज को सम करना कोई बड़ी बात नहीं है, सम करने का बड़ा आसान तरीका, फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, एन माइनस वन है। अब जरा गौर से समझो एन माइनस वन कैसे हुई, भाई एक टर्म तो आपने पहली निकाल दी, टोटल nth टर्म थी ना, तो एक टर्म आपने निकाल दी, तो बाकी कितनी टर्म बचेंगी यहाँ पे, एन माइनस वन टर्म बचेंगी। इसको क्वेश्चन में मैंने मजीद समझाया है, तो कह रहे का मतलब ये जो पूरी टर्म्स है कितनी टर्म्स है, एन माइनस वन टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला, इसको एड कर लोगे, इस माइनस एन को इधर ले जाओगे और यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास एन आ जाएगा आप सिग्मा नोटेशन यूज करोगे और सम निकाल लोगे, बाकी जो 5.3 के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो तरीका होता है ना कि इस तरीके से कंसेक्यूटिव टर्म को आप डिफरेंस करते हो इस टेक्निकल अंदाज में, उसके बाद सम निकालते हो, उसको मेथड ऑफ डिफरेंस कह रहे हो। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के दो किस्म के सवाल होते हैं, या तो सवाल ये होता है कि आपको एक सीरीज दे दी जाती है, आपने उसको सम निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। एक और सवाल ये होता है कि आपको सीरीज की कोई जनरल टर्म गिवन होती है, उस जनरल टर्म को आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर तो ऑलरेडी कन्वर्ट है बहुत अच्छी बात है, अगर आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस लाइफ आपकी काफी आसान हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक और मेथड है, कोई भी अगर आपकी सीरीज जो है अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट है, कोई भी अगर आपकी सीरीज जो है अगर उसकी जनरल टर्म आप इस तरीके से लिख सकते हो तो सीरीज को ऐड करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब ये इसको जनरल टर्म किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी एक सीरीज है जिसकी जनरल टर्म ये है, आर तो वैसे ही एक अपनी तरफ से लगाया है ना, आप एन भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये उसकी जनरल टर्म है। अब अगर किसी भी सीरीज की जनरल टर्म होगी ना तो लाइफ आपकी काफी आसान है। इसमें होगा ये कि कंसेक्यूटिव टर्म खुद ही कैंसिल होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या मतलब इसका, आप सबसे पहले एन की जगह वन पुट करो, ये हो जाएगा वन अपॉन वन, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करो हो जाएगा वन अपॉन टू, तो एन की वन वैल्यू पे आपको ये आंसर मिल रहा है। फिर आप एक काम करो, ये सीरीज है तो आप ऐड करोगे, आप एन की जगह टू पुट करो हो जाएगा वन अपॉन टू, यहाँ भी पुट करो हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री। फिर आप एन की जगह थ्री पुट करो, फिर आप एन की जगह फोर पुट करो, ठीक है, आप ये करते जाओ। इसी तरीके से जो nth टर्म होती है, nth टर्म से पहले वाली टर्म क्या होती है, n माइनस वन होती है, तो आप यहाँ पे पुट करो n माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे n माइनस वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल वन अपॉन n हो जाएगा। अब जो आखिरी टर्म है उसमें n पुट करते हो तो ऑलरेडी n मौजूद है यहाँ पे। अब जब इसकी खासियत देखो, ये वो सीरीज है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म आपके ऑलरेडी कैंसिल हो रही है। अगर आप ऑब्जर्व करो जब मैंने n की वैल्यूज पुट की है, अगर आप देखो माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन टू कैंसिल, माइनस वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री कैंसिल, माइनस वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर कैंसिल। कहने का मतलब इसी तरह माइनस वन अपॉन फाइव अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये जो वन अपॉन एन माइनस वन नजर आ रहा है ये पिछली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह माइनस वन अपॉन एन इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी हर टर्म जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ दो टर्म बचेंगी, एक पहली और एक आखिरी, वो किसी से कैंसिल नहीं होंगे। तो कोई भी सीरीज अगर आपकी इस फॉर्म में, इस फॉर्म को जरा और से समझो, एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस वन, मतलब पहली टर्म जो लिखी हुई है ना आप इसको n की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो मसला नहीं है। सवाल इस तरह भी आपका हो सकता है, वो मैं एक समीशन नोटेशन में बताना चाह रहा था इसलिए मैंने r लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई भी अगर सीरीज की जनरल टर्म इस फॉर्म में है कि ये लिखी हुई f ऑफ n और ये लिखी हुई f ऑफ n प्लस वन, जैसे इसमें आप n की जगह n प्लस वन पुट करो तो ये वाली टर्म आ रही है, तो अगर ये दोनों चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि सारी कंसेक्यूटिव टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, पीछे पहली और एंड वाली आपकी बच जाती है। तो अब मेथड ऑफ डिफरेंस है, इसका हम जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन को काफी आसान करेगा। वो सिंपल क्या है फॉर्मूला, ये कहता है ये फॉर्मूला सिंपल, ये जो पूरी मेथड है ना कंसेक्यूटिव टर्म जो आपस में कैंसिल हो रही है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस है कि आपकी जो कंसेक्यूटिव टर्म है वो आपस में कैंसिल हो चुकी है। सम निकालने का बड़ा आसान तरीका है, पहली और आखिरी टर्म बच जाएगी।
इसी चीज को सिस्टमैटिक बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने समीक्षा नोटेशन में लिख दिया। ये जो बात आपने पूरी यहाँ पे समझी है ना कि पहली और आखिरी टर्म बचेगी, और पहली टर्म में देखो यहाँ पे एन की जगह वन पुट किया हुआ मैंने, तो इसी चीज को, इसी मेथड ऑफ डिफरेंस को आपने एक सिस्टमैटिक अंदाज में सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। अब सिग्मा नोटेशन आपको क्या कह रही है, आपको ये कह रही है कि अगर कोई जनरल टर्म है जिसको आपने इस फॉर्म में लिखा है और अगर आपने उसको सम करना है वन से लेके एन तक, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? आप सबसे पहले आंसर होगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन। जरा सिचुएशन को समझो, अगर आप देखो पहली टर्म यहाँ पे क्या थी, पहली टर्म यहाँ पे थी वन अपॉन वन, कैसे आई थी? आपने यहाँ पे एन की जगह पे वन पुट किया था, मतलब जो पहली टर्म थी ना एफ ऑफ आर वाली, इसको एफ ऑफ आर बोल दो या एफ ऑफ एन बोल दो एक ही बात है। असल में वेरिएबल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे भी अगर मैं एन लिख दूंगा तो वो चीजें मजा नहीं आएगा, इसलिए अलग किया हुआ आर किया हुआ, मतलब आप एन की फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो कहने का मतलब पहली टर्म में देखो तो आपने एन की जगह वैल्यू पुट की भी है वन, तो वही चीज तो मैंने लिखी है कि आर की जगह पे आपने क्या पुट करना है, वन पुट करना है। और जो आखिरी टर्म है वो कैसे आएगी, आपने आर की जगह पे क्या पुट करना है, एन पुट करना है। जो आखिरी टर्म थी यहाँ पे, तो देखो आपने एन यहाँ पे पुट किया था, अगर एक सीरीज फॉर्म में होती आर की फॉर्म में होती, तो आप देखो पहली टर्म में आपने आर की जगह पे वन पुट किया हुआ है और आखिरी टर्म जो है उसमें आर की जगह आपने एन पुट किया। तो ये वो काम जो आप यहाँ पे कर रहे हो सिग्मा नोटेशन से काफी खूबसूरत अंदाज में आपको नजर आ रहा है। ये मेथड ऑफ डिफरेंस ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म को आप उसमें सबट्रैक्ट कर रहे हो और उसका सम मालूम कर रहे हो। अब ये जनरल टर्म थी, किसी भी सीरीज की वो जब सवाल सॉल्व करेंगे हम देख लेंगे, तो जनरल टर्म के जरिए से आपने जब सॉल्व किया टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है और आपके पास फाइनली एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने 5.1 में एक और तरीका भी बताया था कि अगर आप इस सिग्मा नोटेशन पे कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होता है, वन से लेके एन, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है। लेकिन चूंकि आप एन तो नहीं लिख रहे ना यहाँ पे, तो आप अपनी पसंद से जो वेरिएबल है वो यहाँ पे एन कर सकते हो, तो यही फॉर्मूले को विस्तार भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एन नजर नहीं आ रहा। हम नॉर्मली वेरिएबल चेंज इसलिए करते थे कि यार एन की जगह यहाँ पे भी एन हो, यहाँ पे भी एन हो, तो अजीब लगेगा कि एन की जगह पे एन पुट कर दिया, दैट्स व्हाई हम वेरिएबल चेंज किया करते थे। लेकिन अब वो मसला नहीं है, इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है वन से लेके एन। तो किसी भी सीरीज को अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट उसका सम क्या होगा, एन की जगह पे वन पुट करोगे, ठीक है, और जो दूसरी टर्म आपको नजर आ रही वहां पे एन ही रहने दोगे। अब अगर सवाल में एन की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 बोला पाऊ, फॉर एग्जाम्पल यही सवाल है 1 से लेके 50, तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर होगा एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 50 प्लस 1, ये आंसर होगा। जो पहली टर्म है उसमें एन की जगह आपने वन पुट करना है, ठीक है, और जो एफ ऑफ एन प्लस वाली है उसमें क्या करना है, एन की जगह पे आपने 50 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो मजीद आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस है जो कि आप लोग 5.4 में भी देखोगे, 5.3 में भी देखोगे। एक आखिरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद में 5.3 वाला पार्ट लगाऊंगा और फिर 5.4 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। वो आखिरी चीज है जो 5.3 में आपको पढ़ना जरूरी है, उसको आप कहते हो पार्शियल फ्रैक्शन। ये बाय द वे आप लोगों का चैप्टर है नहीं, कोई ऐसा सेकंड ईयर में तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में आपकी बुक में ये टॉपिक है नहीं पार्शियल फ्रैक्शन का। ये बेसिकली इसको इजी अंदाज में समझते हैं कि अगर आपके पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन लिखी हुई है और आपने उसको दो फ्रैक्शन में तोड़ना है या आप तीन फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो, तो इन फ्रैक्शंस को आप कहोगे पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास दिखा हुआ है 1/(x-1), 1/(x-2), आपके पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन लिखी हुई है। अब शराइत कुछ है वो देख लो कि पार्शियल फ्रैक्शन आप किन फ्रैक्शन को तोड़ सकते हो। सिंपल सी बात है, एक बड़ी फ्रैक्शन को आप तोड़ रहे हो छोटी फ्रैक्शन में, लेकिन तोड़ने के रूल्स होते हैं। रूल्स क्या, जरा गौर से देखो कि आप जिस फ्रैक्शन को तोड़ रहे हो ना वो सबसे पहले प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। अलजेब्रिक सेंस में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब क्या होता है, अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट की डिग्री जीरो होती है। तो ऊपर डिग्री जीरो है, जबकि नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये होगा एक्स स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। तो ऊपर डिग्री जीरो नीचे डिग्री 2, मतलब डिनोमिनेटर की अगर डिग्री बड़ी है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर की डिग्री के, तो आप बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्रैक्शन लिखी हुई, इसकी खास बात क्या है, ऊपर देखो डिग्री क्या है 2 के बराबर और नीचे डिग्री क्या है 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है ना, तो ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, इसको आप इम्प्रॉपर बोलोगे। तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते, आप पहले इसको डिवाइड करोगे, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। तो पहली चीज पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो मेथड आप लोग पढ़ने लगे हो ये उन फ्रैक्शंस पे अप्लाई होगा जो कि प्रॉपर है, ये पहली बात है। दूसरी बात,
कि डिनोमिनेटर जो है वो इस तरह फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टर मतलब इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो ये दूसरी शर्त है, इसको ध्यान में रखना। तीसरी बात यह है कि इस पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट केसेस होते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। वो केसेस डिपेंड किस चीज पे कर रहे होते हैं कि जैसे अभी देखो x माइनस वन, एक्स माइनस टू एक एक दफा आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल दूं इसका मतलब कि x माइनस वन दो दफा आया हुआ है, तो अभी केस टू का सवाल बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये दोनों लीनियर है। अगर बिलफर्स में यहाँ पे इस तरह कर दो एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द वे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू कर दो आप लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अभी केस थ्री बन गया क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक आया हुआ है एक्स स्क्वायर, अभी केस थ्री का सवाल बन गया। और अगर मैं क्वाड्रेटिक को भी स्क्वायर लगा दूं, अभी सवाल बन गया कि ये क्वाड्रेटिक भी है और दो दफा आ रहा है, इसका मतलब ये केस फोर बन गया। ये टोटल चार केस है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ने, आप लोगों ने एक बेसिक पहला केस ही पढ़ना। लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिफरेंट चीजें होती है जो आप सेकंड टर्म में भी आप लोग पढ़ोगे। आपकी बुक में जो पार्शियल फ्रैक्शन है इन्होंने बस इतने से ही गाइड किया है, केस वन ही शायद है पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, इन्होंने जनरलाइज केस डिस्कस किया है, तो हम भी केस वन भी रहेंगे, लेकिन मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिए। अच्छा, आप जरा देख लो टेक्निक है क्या, आप लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया, आप जरा टेक्निक समझ लो कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है जिसमें डिनोमिनेटर को आपने फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अब आपने इसको छोटी छोटी फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। किस तरह ब्रेक करोगे, आप लिखोगे इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। मतलब आपने ए अननोन है, ए की वैल्यू आप मालूम करोगे, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। अगर यहाँ पे कोई तीसरी चीज भी होती फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस थ्री, तो आप क्या करते हैं सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये देख लेते हैं। ये करने के बाद आपकी मेन कोशिश क्या होगी कि जिस तरह ए और बी के मैं वैल्यू निकाल लू, ऐसी ए और बी की वैल्यू निकालू कि जब मैं पूरी चीज को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आंसर आ रहा हो। असल में तो इस फ्रैक्शन को तोड़ना है ना आपने। अब देखो इस ए की फ्रैक्शन थी, मैंने दो छोटी छोटी फ्रैक्शन में ब्रेक कर दी है, तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, सिंपल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि ये जो एक काम करते हैं, इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है ना वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आप लोगों को बता दूंगा। मेन बात तो आपने सीख लेना, अब रही बात कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसके बाद की वर्किंग क्या होगी वो जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन मैंने बता दिया। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ ही क्यों रहे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये वजह हमारी कि हम हमारे पास एक इस टाइप की जनरल टर्म गिवन होगी किसी सीरीज की, हम उसको तोड़ के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा मेन मकसद क्या है कि किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जनरलाइज फॉर्म जो लिखी हुई ना किसी तरह फॉर्मुला आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वंस आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आप ये वाला मेथड लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सम आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह तोड़ना हमारे लिए जरूरी है, हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। अब इंशाल्लाह आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाता है। बहरहाल अब इसके बाद 5.3 के क्वेश्चन में एडिट करके लगा दूंगा, पूरी मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई भी है। उसके बाद इंशाल्लाह 5.4 हम सॉल्व करेंगे जिसमें ये वाला मेथड और ये वाला मेथड जो है ये अप्लाई कर रहे हो। यही सब्ट्रैक्शन वाला काम जो आप यहाँ पे कर रहे हो एग्जैक्ट वही करना है आपने, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वहां पे सवाल कन्वर्ट हो जाएगा 5.1 के तरीके पे कि जो सिग्मा के जरिए से आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे। तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं, कोई नई चीज पढ़नी नहीं है आपने। जो नई चीज है 5.3 के अंदर वो इंशाल्लाह 5.4 के साथ पढ़ेंगे हम। और क्या कर रहे हैं, सवाल मैं डायरेक्ट सवाल ही करवाता हूँ, उसी से आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। बाय द वे इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं कि आप डिफरेंस मालूम करके सम निकाल रहे हैं, जो कि आपने 5.2 में भी देखा था। तो अब करना किस तरीके से, यहाँ पे किस टाइप के सवाल होंगे, यहाँ पे एजीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेथड वही है जो वहां पे करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला काम वही करना है आपने यहाँ पे, लेकिन बस यहाँ पे एजीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसी सीरीज गिवन होगी, खास बात क्या होगी इन सीरीज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ए की किस्म के क्वेश्चन है, मैं फॉर एग्जाम्पल 3 करवा देता हूँ और जरा देखते हैं यहाँ पे अलग क्या है। आपने यहाँ पे सम करना है एंड टर्म्स तक, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे इन सीरीज की खास बात क्या है, जो सीरीज आपको 5.3 में गिवन है, जैसे पुराने 5.2 में जो सीरीज थी वो एजीपी की फॉर्म में हुआ करती थी, इसी तरह 5.1 में जो सीरीज थी वो आपको पता है कि वो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होते थे, फिर उनके स्क्वायर होते थे, फिर उनके क्यूब होते थे। 5.3 में इन सीरीज की खास बात क्या है, इन सीरीज की खास बात ये है कि ना तो ये अरिथमेटिक के अंदर है, ना ये ज्योमेट्रिक के अंदर है, ना ये एजीपी है, कोई खास सीरीज नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ी है, तो नई चीज आप पढ़ रहे हो। नई चीज इसके अंदर क्या है कि अगर आप इनके दरमियान डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस या तो अरिथमेटिक के अंदर होगा
या वो डिफरेंस जो मैट्रिक के अंदर होगा। जैसे अगर आप इनके दरमियान डिफरेंस निकालो, 14 माइनस 7 क्या होता है, 7 के बराबर, 26 माइनस 14 12 के बराबर, 43 माइनस 26 क्या होगा 17 आएगा, 17 के बराबर। इसी तरह 65 माइनस 43 ये क्या हो जाएगा, अल्लाह भला करे 22 के बराबर। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जब मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकाल रहा हूं तो ये डिफरेंस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ पे किसके अंदर है, अरिथमेटिक के अंदर है। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो नॉर्मली अरिथमेटिक क्या होती है, अरिथमेटिक में होता था डिफरेंस फिक्स रहता था, यहाँ पे डिफरेंस फिक्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई आप उसको अरिथमेटिक नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो अपनी एक अरिथमेटिक बना रहा है। तो अगर आप देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एक अरिथमेटिक बना रहा होगा, तो 5.3 में आपको ऐसी सीरीज मिलेंगी जिनका डिफरेंस या तो अरिथमेटिक के अंदर होगा या जिनका डिफरेंस ज्योमेट्रिक के अंदर होगा, वो आगे सवालों में आपको नजर आ जाएगा। मेथड एक ही है, अरिथमेटिक वाले डिफरेंस को अलग तरीके से आपने सॉल्व करना है, अलग तरीका सेम ही है, बस हल्का फुल्का आगे जाके फर्क आएगा। तो मैं एक एक सवाल दोनों के करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। टोटल है 5-6 क्वेश्चन है, तो एक एक सवाल मैं दोनों के करवाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग सवाल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले 1, 2, 3 जो है, ये तो एटलीस्ट इनके डिफरेंस है वो एपी के अंदर है, बाकी सवालों की बाद में बात करते हैं। अब करना किस तरीके से, वही कॉन्सेप्ट जो आप लोग अभी अप्लाई करते हुए आए हो, क्या आप सबसे पहले एज इट इज कॉपी करो इसको, यहाँ पे आप जो सीरीज गिवन है ना, आप क्या करो एज इट इज को दोबारा कॉपी कर दो, ये सीरीज लिखी मैंने इसको दोबारा कॉपी कर दो, और कोशिश ये करो कि थोड़ा आगे से स्टार्ट करो इस तरीके से। जो आखिरी इसकी ट्रम होगी उसको एन एच ट्रम बोल दो, ए एन बोल दो, इसको भी आप ए एन बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। जो आखिरी ट्रम होगी वो एन एच ट्रम होगी। अब एन एच ट्रम आपको पता नहीं है, यहाँ पे एन एच ट्रम इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको कोई पता नहीं ना अरिथमेटिक का क्या है, तो आपको एन एच नहीं पता, इतना पता है जो आखिरी ट्रम है उसको आप एन एच बोलते हो, तो आपने बस एन एच ट्रम लिख दिया है। तो इन दोनों को ना आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, अभी कोई नया काम नहीं किया, बस ये किया है कि मैं इसको थोड़ा आगे करके लिख रहा है, वही काम जो हम पहले करते थे ना, मैं कहता था एज्यूम कर लो यहाँ पे जीरो है, तो मैं यहाँ पे जीरो आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे भी आप इस तरह कर सकते थे 5.2 के अंदर, कि आप एज्यूम कर लो नीचे इसके जीरो लिखा हुआ है, एज्यूम करने में क्या जा रहा है आपका, तो आपने इसको शिफ्ट किया है, दैट्स इट, इस सीरीज को आपने शिफ्ट किया है। ए एन को भी मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, जैसे 14 के नीचे 7, 26 से 14, 43 के नीचे ये, 65 के नीचे हम 43 लिखते हैं, ठीक है, और फिर ए एन जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, बस ये दिखाने के लिए सीरीज वही है, बस शिफ्ट मैंने किया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अब आप क्या करो, इनको आपस में आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट जब आप करवाते हो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गया भाई, एस माइनस एस क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, अच्छा 7 माइनस 0 7 के बराबर, कोई नई बात नहीं है, 14 माइनस 7 7 के बराबर, 26 माइनस 14 12 के बराबर, 43 माइनस 26 17 के बराबर, 65 माइनस 43 22 के बराबर, और इसी तरह बाद में आप करते जाओगे, ये काम आपने करते जाना करते जाना, सवाल ये कि कहां तक आप करते जाओगे, इसकी कोई लिमिट होगी ना, या अगर आप चलते ही जाओगे कोई लिमिट यहाँ पे बन रही होगी ना, वो लिमिट यहाँ पे क्या होगी, 2n माइनस 1 टर्म। अब जरा इस बात को गौर से समझना, n माइनस 1 टर्म तक आपने जाना, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी आखिरी की बात नहीं कर रहा, इसको जरा स्किप कर दू। 5.2 में आपने क्या देखा था कि जो पहली सीरीज की पहली टर्म है उसको एज इट इज कॉपी करते थे, जो आखिरी दूसरी सीरीज की जो आखिरी टर्म है उसको एज इट इज कॉपी करते थे, जो दरमियान वाली थी ना उनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट करते थे। अब सवाल है कि दरमियान वाली कितनी टर्म्स हैं, पता होना चाहिए दरमियान वाली कितनी टर्म्स है, उसको गौर से समझना, इस पूरी सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, इस पूरी सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं भाई, मैंने कॉपी तरह टर्म तो ऐड नहीं किया, जीरो तो अपने आसानी से लिखा है, जीरो ना लिखवा यहाँ पे छोड़ दो, ऐसी 7 माइनस वैसे 7 के बराबर आ जाएगा, तो मैंने कोई टर्म ऐड नहीं किया यहाँ के अंदर, एज इट इज मौजूद है, कंफ्यूज ना ऐसे लिख दो, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर भी n टर्म्स, इसके अंदर भी n टर्म्स है। अब ये जो पहली टर्म है 7, उसको आपने एज इट इज साइड पे लिख दिया, इसका मतलब अगर पहली टर्म को निकालोगे तो ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये टोटल है n माइनस 1 टर्म। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे आखिरी टर्म को निकाल दिया तो पीछे आपके पास कितनी टर्म बचेंगी, दोबारा n माइनस 1 बचेंगी, तो जो ऊपर n माइनस 1 टर्म्स है उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है नीचे n माइनस 1 टर्म्स है। तो कहने का मतलब जब आप n माइनस 1 टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो आपके पास टर्म्स आएंगी वो n माइनस 1 टर्म्स होंगी ना, इसके आपने यहाँ पे लिख दी, इसके आपने यहाँ पे लिख दी, तो दरमियान वाली कितनी टर्म्स होंगी, n माइनस 1 टर्म्स होंगी। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जो सीरीज बन रही है ना ये सीरीज कहां तक जाएगी, n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगी, ये असल में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे मकसद क्या है, मकसद आपका ये है कि किसी तरह आप जनरल टर्म निकाल लो यहाँ पे,
अगर आपको इसकी जनरल टर्म पता चल जाए ना, तो आप इस पे 5.1 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। अगर ये एट जीबी होती तो हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिक करके कुछ हल निकल जाता है यहाँ पे, जो आप एट जीबी में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे हल निकालने का एक तरीका है, किसी तरह इसकी जनरल टर्म निकाल लो। जैसे जनरल टर्म आएगी फिर हमारे लिए खेलना कोई आसान नहीं, आसानी से हम खेल के सम निकाल लेंगे इसका। जनरल टर्म बेसिकली क्या होती है, ए एन, ये जो आपको ए एन नजर आ रहा है, ये जो अच्छा इसका जो ए एन है ना वो इससे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो जहन में रखना। इसका जो ए एन होगा वो यहाँ से आके कैंसिल, जब आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे होंगे ना, तो इसका जो ए एन है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा नीचे ए एन माइनस वन से। तो ये तो सॉल्व होके आपके पास एन माइनस वन वाली टर्म आ जाएगी। ये जो ए एन है ये एक्स्ट्रा बचा होगा, लेकिन कॉमन बात की ये दोनों ए एन की वैल्यू तो सेम ही है ना, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपने ए एन निकाल लिया मतलब आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी, और अगर जनरल टर्म आ जाए लाइफ आपकी आसान, और आप वेरीफाई भी कर पाओगे जनरल टर्म जब आ जाएगी ना, मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा इसी सीरीज की जनरल टर्म है। तो असल में मकसद आपका यहाँ पे ए एन निकालना है, तो इस माइनस ए एन को आप ले जाओ इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइटिंग साइड पे क्या बचा, सेवन। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक सीरीज है सिंपल, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि ये एक है अरिथमेटिक सीरीज जिसका ए 7 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है वो एन माइनस वन है, इस तरह आप लिख सकते हो। तो आप इसका सम निकाल लो, यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हुआ करता है। वैल्यूज पुट करो, कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, सॉरी कितने नंबर ऑफ टर्म है, एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे एन की जगह लिख दो एन माइनस वन अपॉन टू, इसको समझ लेना कि एन एन माइनस वन, चलो थोड़ा डिफरेंट नाम लिख लो, कैपिटल एन लिख लो, बताने के लिए नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन माइनस वन है। यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंजिंग कर दो ताकि आपको दोनों एन में फर्क नजर आए। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे सेवन है, सेवन को टू से मल्टीप्लाई करो 14। अच्छा अगेन यहाँ पे फॉर्मूले में कैपिटल एन लिख दो, कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन माइनस वन, तो यहाँ पे मैंने एन माइनस वन पुट कर दिए, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 का। मजे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एन माइनस वन ये हो जाएगा एन माइनस टू, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 अपनी जगह पे, 5 को एन से मल्टीप्लाई करो 5n, 5 को माइनस टू से करोगे माइनस 10। अब बस आपने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे ए एन का आंसर निकालना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, 14 माइनस 10 क्या होता है, 4 के बराबर, तो अंदर क्या होगा, 4 प्लस 5n, ये सिचुएशन अंदर मौजूद। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो राइट हैंड साइड पे एनएस टर्म है ना, तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 को मल्टी, जैसे ये एक फ्रैक्शन है और एक ये है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो इसके अंदर, 2 7 जा 14, और इनको आपस में आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 2, जस्ट लाइक जब आप एलसीएम लेते हो ना इस तरीके से। कैसे लेते हो, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो ऐड करते हो 1 के अंदर, एग्जैक्ट वही करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो इसके अंदर। अब जरा सिंप्लीफाई करो इसको, एन को मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 4n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5n अपॉन 2। अब वक्त आ गया इसको पूरा सिंप्लीफाई करने का, ये हो जाएगा 5n स्क्वायर 4n माइनस 5n, ये हो जाएगा माइनस n, 14 माइनस 4 ये होगा सिंपल 10 के बराबर डिवाइडेड बाय 2। मसला बच्चों आपका हल, आपको जनरल टर्म मिल गई है इसकी, जनरल टर्म आ जाए अब सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा पहले वेरीफाई कर लो क्या बाकी जनरल टर्म है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, वैल्यूज पुट करके देख लो, एन की वन वैल्यू पे ये टर्म आनी चाहिए, एन की टू वैल्यू पे ये वाली टर्म आनी चाहिए, तो आपका सवाल प्रूव होता जाएगा खुद ही कि आपने सही किया। पुट करो एन की जगह वन, तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे वन पुट करो सॉल्व करो इसको, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 10 क्या होता है 14, 14 अपॉन 2 7, वेरीफाई हो रही है बात। इसी तरह आप एक काम करते हैं 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, यहाँ पे 3 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, 45 माइनस 3 42, 42 प्लस 10 52, 52 को आप 2 से डिवाइड करोगे 26 आ जाएगा। इसका मतलब यह हो बिल्कुल ठीक है, आपने सीरीज की बेसिकली यहाँ पे जो जनरल टर्म थी ना वो निकाल दी है। अगर यहाँ ये अरिथमेटिक होती तो अरिथमेटिक की जनरल टर्म आपको निकालने का फॉर्मूला पता था, ज्योमेट्रिक होती ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला पता था, इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता था, तो हमने ये टेक्निक यूज करके इस टेक्निक के जरिए से आपने इसकी जनरल टर्म निकाल दी। अब जब जनरल टर्म आ जाए सम, असल में सम मालूम करना था, सम मालूम करना कोई मसला नहीं है, इसलिए मसला नहीं है कि यहाँ पे आप यूज करोगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन क्या आपको बताती थी कि यार सिंपल आप सिग्मा नोटेशन में यहाँ पे लिखते थे जनरल टर्म, ठीक है, और दैट्स इट। एक वैसे एक और सिंबल भी होता था कि आप के यूज किया करते थे, लेकिन वो मैंने आप लोगों को करवाया नहीं के वाला,
मैंने कहा सिंपल सिग्मा नोटेशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। तो आप सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, असल में सम मालूम करना है ना इस जनरल टर्म का आपको। सबसे पहले 1/2 को बाहर कर दो और इस सिग्मा आप तीनों टर्म पे अप्लाई कर दो, एन स्क्वायर पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई और टेन पे भी अप्लाई करो। ये वाला काम जो है ये ट्रांसफॉर्म करेगा 5.1 के अंदर, ये काम है 5.3 का। बाकी काम जरूरी नहीं है मेरा करवाना क्योंकि 5.1 में एग्जैक्ट यही काम आप कर देते हैं। मैं मजीद आपको हिंट दे देता हूँ, इसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मुला पुट करोगे। ये सीरीज बन रही है स्क्वायर की, जिसका फॉर्मुला हमने प्रूफ किया था, इसका फॉर्मुला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। ये है एन की, इसका फॉर्मुला था एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। और जब कॉन्स्टेंट होना तो कॉन्स्टेंट सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दो एन से, बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना, आपके पास सम का फॉर्मुला आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे तरीका क्या है, अगर आप देख रहे हो तीनों टर्म से एन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तीनों टर्म में एन है तो आप एन कॉमन ले सकते हो। उसके बाद आप इन सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं, 5.1 में मैंने बहुत दफा काम करवाया है, एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी सी मैथ करनी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और उस फाइनल आंसर को आप चेक भी कर सकते हो, मैंने 5.1 में ही बताया था। किस तरह चेक करोगे, आप जो भी फाइनल आंसर आ रहा होगा उसमें एन की जगह 2 पुट करोगे तो शुरू की 2 टर्म का सम आना चाहिए, 3 पुट करोगे शुरू की 3 टर्म का सम आना चाहिए। तो बाकी काम आप लोगों के, इसको सिंप्लीफाई करना, अगर आंसर मैच ना करे या कोई इश्यू हो तो मैं खड़ा हुआ मुझसे पूछ लेना। तो 5.3 में 2 किस्म के सवाल थे, एक सवाल था कि जिसमें डिफरेंस जो है वो एपी के अंदर है, तो उसमें इसी किस्म की जनरल टर्म आ रही होगी हर सवाल में, तो कोई नई चीज नहीं है, मैं कर रहा हूँ। और एक सवाल होंगे जिनमें डिफरेंस जीपी के अंदर है, उसमें थोड़ा डिफरेंट जनरल टर्म आ रही होगी, वो मैं करवा देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक के सवाल है तो पूछ लो, 1, 2, 3 तो ये वाले सवाल है। अच्छा 4 जो है उसका डिफरेंस जीपी के अंदर है, जो 5 है उसका डिफरेंस भी एपी के अंदर है, जो 6 है उसका डिफरेंस जो है वो जीपी के अंदर है। तो आपकी एक्सरसाइज में 4 और 6 में जो डिफरेंस है वो जीपी के अंदर है, बाकी 1, 2, 3, 5 4 जो क्वेश्चन है इनमें डिफरेंस जो है वो एपी के अंदर है। तो 1, 2, 3, 5 में सेम यही काम करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, 3 मैंने करवा दिए, अब 4 और 6 में आपको सेम काम करना है। इसमें से मुश्किल जो है वो आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 लग रहा है, तो 6 को जरा ट्राई करते हैं। लेट कर लेते हैं, इसको हम एस का नाम दे देते हैं। सीरीज क्या है, 3 + 6 + 21 + 96 + 471 up to कहां तक जाना है, एंड ट्रम तक जाना है। मकसद अपना भूलना नहीं, मकसद क्या है, जनरल टर्म आ जाएगी किसी तरह। क्यों जनरल टर्म के पीछे भाग रहे हैं, हमें कोई और तरीका नहीं पता इसका, ना ये अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक है, ना ये एजीपी है, ना ये कोई ऐसी सीरीज है कि जिसका हम सम निकाल लें, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका सम निकालने के लिए। जब फॉर्मूला नहीं होता तो 5.1 में आपने क्या सीखा था, यार जनरल टर्म निकाल लो, जनरल टर्म अगर आ गई तो सिग्मा वाला काम कर लेंगे। अब जनरल टर्म भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो अब इनडायरेक्ट तौर पर जनरल टर्म की सारी वर्किंग आपने यहाँ पे करनी है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है जो आपने ऑब्जर्व करना है कि अगर डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस जीपी के अंदर आ रहा है। ये जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना 5.3 के अंदर, ये उसी वक्त वैलिड है जब डिफरेंस एपी के अंदर हो या जीपी के अंदर हो। हर एक केसेस में किसी रैंडम सीरीज में आप ये काम नहीं कर सकते, फंस जाओगे कर, फिर वो जीपी या एपी सीरीज बनी रही होगी वो, तो उसी सीरीज में आप ये काम कर पाओगे जिनका डिफरेंस या तो जीपी के अंदर है या एपी के अंदर। अगर आपने 2 का डिफरेंस निकालो 3 है, इन 2 का निकालो 15 है, इन अगर 2 का निकालो अगर माफ करे कितना बड़ा समय 95 75 जी भी बन रही है, हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको 5 से किया 15, इसको 5 से किया 75, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है वो जीपी के अंदर है। तो लगा सकते हो आप टेक्निक, अब जरा लगाते हैं, एज इट इज कॉपी करो सबसे पहले। एनएस टर्म तक आपने जाना है, एन भी आप खाली लिख सकते हो, एन का मतलब एनएस टर्म, और आप डॉट 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 के बाद लिख दो एन टर्म्स, एक ही बात है। दोबारा इसको कॉपी करो, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, 3s, ये s माइनस s तो 0, 3 किसी से नहीं होगा, एज रिजल्ट आएगा 6 - 3 3 के बराबर, 21 - 6 15 के बराबर। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस आता जाएगा, कॉमन डिफरेंस जीपी बना रही होगी, यहाँ पे आप ऐड कर लोगे आसानी से इसको, 96 - 21 75, 471 - 96, मतलब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 150, 350 नहीं 300, 375,
ठीक है, और इस तरह चलता जाएगा। सवाल है कि अगर मैं जस्ट इस सीरीज को कंसीडर करूं इसको, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? अगेन वही एन माइनस वन टर्म्स है, और जो आखिरी टर्म है माइनस ए एन, उसको एज इज कॉपी करूं। तो अगर अगर आप इस सीरीज की खास बात देखो, इस सीरीज में अगर आप ए एन निकाल दोगे तो पीछे कितनी टर्म बचेंगे? एन माइनस वन बचेगी, वो ये एन माइनस वन टर्म जो है वो आपके सामने मौजूद है। ये चीज जो है ये तो ऊपर वाली सीरीज से आया था। अब जो माइनस ए एन है इसको इधर लेके आ सकते हो आप, क्योंकि जनरल टर्म आपने निकालनी, और ये जो पूरी सीरीज बन रही है आप कह सकते हो कि भाई ये सीरीज जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी फर्स्ट टर्म थ्री है, कॉमन रेशियो फाइव है, नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर एन माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका फॉर्मूला मेंशन कर दो, ये जो मैट्रिक सीरीज को सम करने का फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे थ्री, कॉमन रेशियो है फाइव की पावर एन माइनस वन, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म है वो यहाँ पे एन माइनस वन है। अच्छा जी, फिर है नीचे आर माइनस वन, आर यहाँ पे फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव माइनस वन। मजीद सिंप्लीफाई करो, नीचे तो फोर बच जाएगा ना, तो आप कह सकते हो थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन माइनस वन माइनस वन, ये सॉल्यूशन बन गई। अब आप देखो क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन या कुछ हो सकता है, जरा देख लेते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहो अगेन उसी फॉर्म में लिख सकते हो, आप एलसीएम ले लो इसका थ्री के साथ। कैसे? पहले तो आप इसमें फॉर्म में लिख लो, तो ब्रैकेट ना लगाओ यहाँ पे। आप एज्यूम करो दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है एक फ्रैक्शन ये है। किस तरह सिंप्लीफाई करते हो? फोर को मल्टीप्लाई करो थ्री से, क्या हो जाएगा ट्वेल्व, फोर थ्री ट्वेल्व, और एड कर दो थ्री टाइम्स ये वाली चीज, थ्री टाइम्स फाइव की पावर एन माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एलसीएम यहाँ पे क्या है फोर के बराबर, ये हो जाएगा। मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे रहने दो, थ्री को माइनस वन से करो माइनस थ्री, उसके बाद क्या होगा ट्वेल्व माइनस थ्री क्या होता है नाइन होता है, तो ये हो जाएगा नाइन मल्टी नाइन प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन माइनस वन अपॉन फोर। अच्छा मजीद आप काम कर सकते हो, फाइव डिवाइड करवा दो तो हो सकता है, हाँ फायदा होना चाहिए वैसे। यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि इसके बाद सिग्मा रोटेशन आपने यूज करनी है ना, सिग्मा रोटेशन में अगर फाइव की पावर एन हो तो कैलकुलेशन काफी आसान होती है, वरना फिर एक ही बात है कोई ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज्यूम कर लो ये आपकी जनरल टर्म है, आप मजीद कर सकते थे सिंप्लीफाई के जो फाइव की पावर में माइनस वन है उसको डिवाइड करवा के दोबारा सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन इतना भी रहने दो, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। ये आपके जनरल टर्म आगे आप चेक भी कर सकते हो, आपने जनरल टर्म से निकाली या नहीं निकाली। आप इसमें एन की जगह टू पुट करोगे तो दूसरी टर्म आनी चाहिए, पुट करके देख लेते हैं। एन की जगह टू पुट करो, टू माइनस वन क्या होता है वन के बराबर ही होता है, थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर अपॉन फोर क्या होता है सिक्स का। उसका मतलब बस एक दो एन की वैल्यूज पुट करके देख लेना कि आपके पास आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब आपने जनरल टर्म सही निकाल दी। उसके बाद है कि जनरल टर्म आ गई सीरीज की, आप सम निकाल लें तो सम निकालने के यूज करोगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन आपको कहती है कि बस मुझे किसी तरह जनरल टर्म दे दो, बाकी मैं आंसर आपको बता दूंगी। वन अपॉन फोर को बाहर निकालते हैं, बाकी सिग्मा नाइन पे अप्लाई करो, सिग्मा इस पे अप्लाई करो, थ्री बाहर कर देंगे सिग्मा से, जो एन वाली टर्म है वो अंदर रहेगी। चलिए सॉल्व करो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि भाई अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे क्या होगा? अच्छा यहां पे नॉर्मली जब सिग्मा के अंदर आप कन्वर्ट करते थे ना तो एन स्क्वायर एन क्यूब या एन आता था, तो आप वो फॉर्मुले लगा दिए करते थे जो 5.1 में पढ़े थे। लेकिन इसका कोई फॉर्मुला ही कुछ ऐसी जनरल टर्म नहीं है जो आपने पढ़ी हो, जिसका सीरीज का फॉर्मुला आपने निकाला हो, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो इसमें मैनुअली वैल्यूज पुट कर दो। मैनुअली वैल्यूज पुट करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एन की जगह वन पुट करो, जब यहाँ पे मतलब ये इसका असल कॉन्सेप्ट तो यही है ना, अगर आप इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हो ना, फाइव की पावर के माइनस वन के वन से लेके एन, ए की बात है मैंने बताया था, अगर इसमें लिमिट्स नहीं लिखी हुई बाई डिफॉल्ट इसका मतलब है वन से लेके एन तक आपने जाना है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या करो सबसे पहले वैल्यूज वन टू थ्री अप टू एन तक आपने वैल्यूज पुट कर, तो आप यहाँ पे वन पुट करोगे तो पावर हो जाएगी वन माइनस वन जीरो, फाइव की पावर जीरो आंसर सिंपल वन आ जाएगा। जब आप एन की जगह यहाँ पे टू टू पुट करोगे तो टू माइनस वन वन, फाइव की पावर वन फाइव। इसी तरह एन की जगह थ्री पुट करो, थ्री माइनस वन टू, थ्री फाइव का स्क्वायर। ये चलता जाएगा अप टू जब यहाँ पे आप एन की जगह पे आखिरी टर्म आपने क्या पुट करनी होती है, एन ही पुट करना होता है, तो आखिरी टर्म इसकी क्या हो जाएगी, फाइव की पावर एन माइनस वन।
मतलब जो सीरीज की जनरल टर्म है, इस सीरीज की जो जनरल टर्म आ रही है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो 5 की पावर n माइनस 1 जो है, एक पूरी सीरीज बन रही है ना, इसकी जनरल टर्म 5 की पावर n माइनस 1 है, जिसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये सिचुएशन बन रही होगी। जो आखिरी टर्म होगी, जनरल टर्म होगी, वो 5 की पावर n माइनस 1 होगी, जिसको आप यहां भी समझ सकते हो कि जब मैं k की जगह n पुट करूंगा तो अगेन 5 की पावर n माइनस 1 यहां पे आ रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो जीपी के जरिए से, क्योंकि जीपी है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करके इसका सम मालूम कर सकते हो। ये फर्क है इन सवालों में और जो बाकी सवालों में, क्योंकि बाकी सवालों में यहाँ पे एन स्क्वायर एन या एन क्यूब आता था, जिनके फॉर्मुले 5.1 में आपने डिराइव किए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा पावर में एन आ रहा होगा क्योंकि ज्योमेट्रिक है ये। तो आपने इसी तरह उसको ओपन करना होगा और इसका मैनुअली सम मालूम करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मुला मालूम किया था, क्योंकि एक एक जीबी बन रही थी। एग्जैक्ट वही काम करो, डायरेक्ट मालूम करो कैसे, डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर दो। यहाँ पे इस जीपी का ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, इस जीपी में पहली टर्म क्या है, 1 के बराबर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए जो है वो 1 है। फिर फॉर्मुला कहता है आर की पावर एन, आर यहाँ पे क्या है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर एन, एन यहाँ पे क्या होता था नंबर ऑफ टर्म। सवाल ये किसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर एन है। आप ये कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर एन माइनस 1 होंगी, नहीं, नंबर ऑफ टर्म एन है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 5 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हो। वैसे आप लॉजिकल भी समझ सकते हो, इसके अंदर n टर्म्स थी ना तभी आपने पुट की थी, लेकिन वैसे भी आप समझ सकते हो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है 5 की पावर 0, तो 5 की 0 पावर फिर 1 पावर फिर 2 पावर और इस तरह n माइनस 1 पे जा रहेगा। तो अगर आप काउंट करो ना, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो n माइनस 1 तक जा रहे हो, अगर आप 1 से स्टार्ट करके n माइनस 1 तक जाते तो उसके अंदर n माइनस 1 टर्म होती, लेकिन आपने 0 से स्टार्ट किया इसका मतलब उसके अंदर n टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे जो आपका जनरल फॉर्मूला है ना, यहाँ पे n ही आ रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 या आर माइनस 1। बस स्ट्रगल आपकी खत्म होने वाली है, अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन होने वाली है। ये हो जाएगा 9n प्लस 3, 1 को इग्नोर कर दो, नीचे 5 माइनस 1 4 है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंदर क्या बचेगा 5 की पावर n माइनस 1। सॉल्व कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करवा दो या पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो, पहले 4 को 9n से करो, हो जाएगा 36n प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 16। ये बच्चों आपके पास सम का फॉर्मूला आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है हमें, इस सम के फॉर्मूले को आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाया कुछ खास फायदा नहीं होगा। चेक कैसे करोगे, ये सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या कहता है, सम का फॉर्मूला कहता है अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 3 पुट करूंगा तो इन 3 टर्म्स का सम आना चाहिए। इन 3 टर्म का सम क्या है, 9 प्लस 21 क्या होता है 30, तो जब मैं एन की जगह 3 पुट करूं तो 30 आना चाहिए। चेक करके देख लो, एन की जगह जब यहाँ पे 3 पुट करोगे 5 का क्यूब क्या होता है 124 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 372। और यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे एन की जगह जब आप 3 पुट करोगे 3 को 36 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 108। जब इसके अंदर ऐड करोगे 380 ये हो रहा है 480 को आपने डिवाइड करना है 16 से, देखना आंसर आपके पास 30 आ रहा होगा। हाँ आंसर 30 आ रहा होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा जब आप एन की जगह 3 पुट कर रहे हो आपको 30 मिल रहा है, इसका मतलब बाकी आपने सम का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही निकाला है। कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लो बच्चों, टॉपिक हमारा खत्म। अब बुक ने भी एज इट इज यही लिखा हुआ है, लेकिन 15 क्यों किया है यहाँ पे, 15 तो नहीं है यहाँ पे, 36n प्लस 3 5n माइनस 15 अपॉन 16, फिर वह मतलब सेंस ही नहीं बनेगी ना हमारा, तो आंसर वेरीफाइड भी हो गया। 15 कहीं बुक ने यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 यहाँ पे आ ही सकता। तो ये अगर आप आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उन्होंने 5 की पावर n माइनस 15 किया है यहाँ पे, सेंस नहीं बनती, हमने तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर लिया। तो ये 15 की जगह 1 लिख देना, 1 होगा, 15 कहीं से भी नहीं आ सकता, सेंस नहीं बन रही उसकी।